भाई अगर आप पहली बार गल्फ कंट्री आते हो तो इतना लेट वीजा क्यों निकलता है, वीजा क्यों नहीं निकल रहा? जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अगर आप ड्राइवर के काम में आ रहे हो, हाउस बॉय के काम में आ रहे हो, सऊदी हो गया या कुवैत हो गया, तो वीजा मिलता जल्दी नहीं, और मिलता भी है तो एजेंट लोग ना मुंह मांगी रकम मांगते हैं, जैसे कि 1,20,000, 1,40,000। क्या रीजन है अगर ड्राइवर के काम में आते तो ऐसा क्या रीजन है जो नए ड्राइवर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सऊदी हो गया या कतर हो गया या कुवैत हो गया? इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे ऐसा क्या रीजन है। वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कहां रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं कि हम इंडियन लोग यहां पे क्या काम करते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होती है, किस जॉब में क्या सैलरी मिलती है। अगर आपका कोई सभी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जाके फॉलो करना, कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि जो नए लोग हैं या ड्राइवर में आना चाहते हैं, हाउस बॉय में आना चाहते हैं, तो उनको वीजा क्यों नहीं मिलता है? दोस्तों क्या ऐसा रीजन है जो वीजा मिलता नहीं? जैसे कि अगर आप कुवैत के लिए अप्लाई कर रहे हो, ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई नया वीजा इस टाइम कहीं पर भी बहुत ही कम मिलता है। अगर मिलता भी है तो एजेंट लोग मुंह मांगी रकम भी मांगते हैं आपसे, 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000 ऐसे मांगते हैं। रीजन क्या है भाई? तो भाई रीजन यही है कि अगर आप ड्राइवर के काम में जाना चाहते हो, गल्फ कंट्री हो गया, तो उसमें क्या होता है कि कोई नया बंदा मंगवाता है तो उसकी सैलरी 100 दिनार प्लस खाना रहता है कुवैत में, और अगर सऊदी आता है तो उसकी 1400 से 1500 रियाल सैलरी रहती है नए में। पहले क्या सिस्टम था भाई कि पहला जो लाइसेंस यहाँ का होता था, सऊदी का या कुवैत का, बहुत आसानी से बन जाता था, लेकिन अभी लाइसेंस में बहुत टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ट्रेनिंग में अगर फेल हो गए फिर से अपॉइंटमेंट लो, फिर फेल हो गए, प्लस जो जल्दी बनता भी नहीं और सोर्स लगानी पड़ती है। पहले क्या था कि बहुत आसान तरीके से लाइसेंस बन जाता था, जब हमने 2015 में अपना लाइसेंस बनवाया था तो बहुत ही आसानी से बन गया था हमारा लाइसेंस, लेकिन अभी रूल्स चेंज हो गए हैं भाई। तो यही मेन रीजन यही होता है इनका जो है लाइसेंस का। और दूसरी बात ये होता है कि भाई जब नया बंदा आता है तो उसको अरबी नहीं मालूम रहती है, सबसे दिक्कत ये होती है कि उसको अरबी नहीं मालूम रहती है, तो कुछ भी ये लोग मंगाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि लाजी में भाई 5 से 6 महीने 7 महीने तलक के अरबी नहीं आते इंसान को, उसके बाद धीरे धीरे वो सीख जाता है। हमें खुद 8 महीना लग गया था अरबी, जैसे कि मैडम बोलते हैं अल्लाह रोजी खुबूस, तो अब मैं जब नया नया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रही है अल्लाह रोजी खुबूस, तो मैं लिखता था, लिख के फिर जाता था वकाले पे, फिर उसको दिखाता था, पढ़ के बताता था कि भाई ये सामान बोली है, तो वो देता था, ऐसा सिस्टम था भाई। दूसरी ये बात हो गई। तीसरी बात ये होती है भाई कि यहाँ पर ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल होता है भाई, क्योंकि अगर कोई नया बंदा आता है, अगर आप गाड़ी चला लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला पाते हो आपको तुरंत वापस कर दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये 3 अहम काम है जो नए ड्राइवर के ऊपर लागू होते हैं, इसी की वजह से नए वीजे ये लोग नहीं निकालते, बहुत कम ही लोग निकालते, जैसे कि बद्दू टाइप के हो गए, थोड़े गरीब टाइप के हो गए, या चलो 1400 रियाल सैलरी है, बगैर लाइसेंस में हम काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि देखा है हमने कि 4-4, 5-5 साल लोग काम करते हो गए लेकिन उनका लाइसेंस नहीं बना है, लेकिन कुवैत में अगर आप जाते हो तो वहाँ का रूल्स चेंज हो जाता है, जब तक कि आपका लाइसेंस नहीं बनेगा आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। यहाँ पर देखा है हमने भाई कि लाइसेंस बनाते ही नहीं है, चलाते रहो गाड़ी बस, ये यहाँ का रूल है भाई। तो ऐसे लोग बुला लेते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अभी रूल भाई चेंज हो गया है। पहले वीजा मिलता था, नया ही वीजा मिलता था, क्योंकि मैं भी नया ही आया था, लेकिन अभी भाई नया वीजा बहुत मुश्किल हो गया भाई। यही रूल कुवैत में भी लागू होता है भाई, कि वहां पर भी अरबी का झमेला रहता है, प्लस लाइसेंस का झमेला रहता है, प्लस रोड का झमेला रहता है, ये सारे झमेले भाई रहते हैं, इसीलिए नए ड्राइवर को एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि बिल्कुल नहीं बंद हो गया है वीजा, निकलते हैं वीजे, अगर आप पहली बार जाने के लिए गल्फ सोच रहे होगे या किसी एजेंट से आपने बात किया होगा तो वो आपसे यही बोला होगा कि भाई इतना खर्चा लगेगा, इतना टाइम लगेगा भाई, ऐसा ऐसा सिस्टम। हमने ये भी देखा है कि भाई सऊदी का क्या है कि मेडिकल पहले करवा लेते हैं, उसका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है लेकिन वीजा नहीं आता है। कुवैत का क्या होता है कि पीसीसी पहले ही करवा देते हैं, पीसीसी एक्सपायर हो जाती है, पहले की 6 महीने की डेट होती थी, अभी 3 महीने की डेट होती है,
एक्सपायर हो जाती है, फिर वो जब वीजा आता है तो दूसरी करवानी पड़ती है उनको पीसीसी, ये रूल हो गया भाई। तो दोस्तों अगर आप गल्फ कंट्री पहली बार जा रहे हो ड्राइवर के काम में जा रहे हो तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो अगर आपका कोई से भी सवाल हो या कोई अरबी भाषा से रिलेटेड अगर आपको कोई से भी सवाल हो, कुछ पूछना हो कि कैसे क्या सिस्टम है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको यहां पर आओ तो आसानी हो जाए भाई। अगर आप पहली बार आ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, अरबी भी नहीं मालूम है, तो हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे, हमारे नंबर पे आप फोन करके या मैसेज करके आप हमसे पूछ सके अरबी में किस चीज को क्या चीज बोलते हैं और गाड़ी कैसे चलाएं, क्या क्या रूल होता है भाई, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे भाई। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम गल्फ से रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं, हम इंडियन लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होती है, किस जॉब में क्या सैलरी मिलती है। अगर आपका कोई सा भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करना, कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।